हेलो दोस्तों, मैं हूं थ्री और आप देख रहे हैं थ्री मोटर। तो दोस्तों, जिसने भी यामाहा R15 V4 के लवर है उन सब के लिए एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यामाहा ने लॉन्च कर दिया R15 V4 का एक और वेरिएंट, जो कि आज हमारे सामने मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली आज हम देखने वाले हैं इस बाइक के सारे डिटेल्स, अरे सारे स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं कि इस बाइक में दूसरे R15 V4 से कौन कौन सी चीज़ अलग मिल जाते, क्या कुछ चेंज किया है कंपनी ने या कुछ भी चेंज नहीं किया है। एक चीज़ तो आप देख कर ही समझ पा रहे हैं कि इस बाइक का जो कलर है और ग्राफिक्स है वो चेंज कर दिया है। इसी के साथ साथ और भी हम चेंजेस की बात करेंगे। चलिए वीडियो को आखिर तो देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पसंद आएगा आप लोगों को। चलिए हम एक एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक की इंजन से ही शुरू करते हैं। अगर हम इंजन की बात करें तो इस बाइक को मिल जाते हैं 155 cc की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल इंजन। जी हाँ दोस्तों, इस कैटेगरी में सिर्फ यही एक लौता इंजन है जहाँ पर आपको मिल जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है इस इंजन के साथ साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स। पावर आउटपुट की बात करें तो ये इंजन आपकी लगभग 10.8 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है लगभग 10,000 rpm पर, और लगभग 14.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7,500 rpm पर। तो लगभग ये था इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताया। हाँ, तो चलिए अब हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात कर लिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डिजाइन के बारे में। अगर डिजाइन को फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में आपको मिल जाता है इस बाइक के LED की हेडलाइट, उसके साथ साथ आपको मिल जाता है इस बाइक के LED डियर, उसी के साथ साथ मिल जाता है इस बाइक में फेयरिंग में मौजूद है इस बाइक के LED की साइड इंडिकेटर। इसके अलावा अगर और भी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर विथ अलॉय व्हील। अगर टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 100x80 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। इसके अलावा पीछे आए तो यहाँ पर कोई डिजाइन वाइज कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। पीछे आया तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 11 लीटर के फ्यूल टैंक, यानी कि 11 लीटर के फ्यूल टैंक। और अगर आप इस टैंक को लगभग फुल कर देते तो लगभग आप इस बाइक को लेकर 550 से लेकर 600 किलोमीटर के रेंज मिल जाएगा आराम से। और R15 V4 की माइलेज के बारे में क्या ही कहना, सारे लोग R15 की माइलेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे आया तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 815 mm की सीट हाइट की बात करें तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो शॉर्ट राइडर है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक में एलुमिनियम के स्विंग आर्म। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस बाइक की LED की टेल लाइट और साइड इंडिकेटर LED का मिलता है, जो कि मैं आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको अगर बात करें तो मेन जो चेंजेस है इस बाइक का, वो है इस बाइक का कलर। और देखिए, मैं अब तक बात कर रहा था इस बाइक की कलर के बारे में, लेकिन हाँ, इस बाइक की कलर के बारे में नाम ही बोलना भूल गए। इस कलर का जो कंपनी ने नाम रखा है वो है इंटेंसिटी व्हाइट। सफ़ेद कलर हम सभी लोग जानते हैं कि शांति के प्रतीक होता है, जो कि इस बाइक को देख कर भी आपको लग रहा है। लेकिन हाँ, ये व्हाइट कलर्स के साथ ये बाइक जितना ज़्यादा शांत लग रहे उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी दिख लग रहा है। और जो लोग व्हाइट के लवर होंगे या व्हाइट लवर होंगे, उन लोगों को पता होगा कि व्हाइट कितना ज़्यादा शांत के साथ साथ कितना ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहा होगा। बाकी इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इस बाइक के। मेन जो चेंजेस है इस बाइक का वो है कलर और ग्राफिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं माने या ना माने, ये बाइक आपकी जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है यामाहा R7 है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर है, और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर बाइक लग रहा है माने या ना माने। इसके अलावा लगभग डिटेल्स की बात करें तो हाँ, इस बाइक का जो कलर का एलॉय का कलर है वो भी चेंज कर दिया गया है, और उसके कलर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप भी कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये आपकी KTM जैसा ऑरेंज नहीं है, कुछ अलग टाइप का ऑरेंज करने की कोशिश किया गया है, जो कि देखने में खूबसूरत लग रहा है पहले से ज़्यादा। इसके अलावा पीछे की टायर साइज की बात करो, पीछे आपको मिल जाते हैं 140x70 17 इंच की ट्यूबलेस टायर। हाँ, तो लगभग ये हो गया इस बाइक के डिजाइन के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं VVI टेक्नोलॉजी के साथ इंजन, जो कि यामाहा की बाइक में ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, और भी ना जाने कितना सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करो तो फीचर्स गिनते गिनाते मैं आपको भूल जाऊंगा। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर को देख लेते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर, और मैं दावा कर सकता हूँ कि इस कैटेगरी में इससे ज़्यादा डिटेल्स में इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिल जाता है RPM मीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको एक बटन दिया है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिप ऑन, ट्रिप टू, ट्रिप ए, ओडोमीटर मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ की बात करो तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो मोड मिल जाते हैं इस बाइक में, एक है ट्रैक मोड और दूसरे है स्ट्रीट मोड। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रियल टाइम माइलेज, इसके अलावा मिल जाते हैं आपको इस बाइक में एवरेज, इसके अलावा आपकी बाइक कितना टॉप स्पीड गए है वो भी ये चीज़ आपको नोटिस कर लेता है। इसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की भी स्विच दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक की टेम्परेचर, मतलब इंजन की टेम्परेचर भी यहाँ पर आपको शो कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको शो करता है इस बाइक की क्लॉक, और शो करता है फ्यूल इंडिकेटर। तो लगभग इतना सारा फीचर्स शो करता है इंस्ट्रूमेंट क्लास्टर, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे टेल लाइट, जहाँ पर आपको मैसेज की और कॉल की आपकी जो वार्निंग है वो भी शो कर देता है।
इसके अलावा इस बाइक में आपको मिल जाती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाई एफ कनेक्टिविटी, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब वाई एफ से इस बाइक को कनेक्ट करके आप इस बाइक के और भी डिटेल्स को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा। इसके अलावा बात करें अगर इस बाइक के स्विच गियर की, तो लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट आपको मिल जाता है इस बाइक में हाई बीम लो बीम, उसी के साथ साथ मिल जाते हैं पास की स्विच, नीचे आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड इंडिकेटर की स्विच। उसके अलावा अगर नीचे आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का हॉर्न, यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में आए तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंजन कटऑफ सेंसर की स्विच, इसी के साथ साथ दिया हुआ है इस बाइक के सेल्फ स्टार्ट की स्विच। नीचे आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के हैजर्ड लाइट, इस बाइक में आपको कंपनी फिटेड हैजर्ड लाइट मिलता है। और एक बहुत ही बात बढ़िया बात है, शायद लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन हाँ एक बहुत ही बढ़िया बात है, जिस जिस बाइक में ये चीज़ आपको नहीं मिलता है, कहीं सारे लोग बाहर से इस चीज़ को करवा लेता है, जिस वजह से बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मेन चीज़ आपकी बाइक की जो बैटरी है वो ज़्यादा ड्रेन होता है, जिस वजह से बैटरी बार बार बदलना पड़ता है आपको और ख़राब होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि बाइक इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है। इसके अलावा इस चीज़ को बाहर से करवाने से आपके बाइक के जो कहीं सारे सेंसर है वो भी ख़राब हो सकते हैं, और फिर भी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है इस मतलब बाहर से करवाने के लिए। और अच्छा बात है कि यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। तो दोस्तों लगभग ये था इस बाइक के सारे डिटेल्स, इंजन वाइज, डिजाइन वाइज और सब कुछ बता दिया है। अब हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में, उससे पहले आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट को सुना देते हैं, चलिए इस बाइक को चालू करते हैं। चलिए चालू करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इस बाइक का साउंड जो कि आप सुन सकते हैं। दोस्तों आपने सुना आपके इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, कमेंट में बताना आपको साउंड सुनने में कैसा लगा, क्या आपको कुछ चेंजेस लगा है। चेंजेस नहीं लगेगा क्योंकि इस बाइक का इंजन बिल्कुल सेम है, डिजाइन बिल्कुल सेम है, एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है, तो आवाज़ भी बिल्कुल सेम ही होगा। चलिए हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। हाँ तो दोस्तों अगर बात करें हम इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का जो एक्सरूम प्राइस है वो है 186,700 रुपीज़, यानी कि 186,700 रुपीज़। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो हमारे यहाँ जो ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का चल रहा है, हमें इस बाइक को प्रोवाइड किया है सुजापुर ब्रांच की हैप्पी व्हील्स ने, तो इस ब्रांच का जो प्राइस है वो है 240,000 के आसपास। देखिए आरटीओ टू आरटीओ ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा वैरी करता है, आप इस चीज़ के आसपास भी यही प्राइस होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। बाकी प्राइस की बात करें तो इतने ही प्राइस चले गए। अगर बात करें कंपेयर करें R15 M से, तो उससे लगभग 8,000 रुपये सस्ते हैं। आप कमेंट में बताना कि आपको प्राइस कैसा लगा।